लेकिन लड़ना हमको है। हम ये बार बार कह रहे हैं आपसे कि हम एमपी का चुनाव सिवान से लड़ेंगे, हम वहीं रहेंगे। नीतीश जी कहीं अब जाने वाले नहीं है, हमको जहां अनुभव ये लग रहा है, और नीतीश जी तेजस्वी जी को आगे लाएंगे, उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। युवा चेहरा पहले भी थे, हम अभी जितने नेता आप देख रहे हैं ना, जितने नेता देख रहे हैं मेढक जैसे, सब नेता का बैकग्राउंड देखिए, कोई कांग्रेस में रहा, जदयू में आया, बीजेपी में आया, चाहे जहां लोजपा में रहा, भाजपा में आया, भाजपा में रहा, जदयू में गया, जदयू में रहा, कांग्रेस में आया, चाहे जहां जा घूमा। पूना पांडे किसी दल में नहीं गया, हमने बीजेपी से चुनाव लड़ा, बीजेपी से चुनाव जीता, और आज भी डंका के चोट पर बीजेपी के साथ है, बीजेपी के झंडा के साथ है। अगर जिनको हमसे तकलीफ है वो बर्खास्त का चिट्ठी हमारा दे दें, कल बीजेपी का झंडा फटा। देखिए अभी कहना जल्दीबाजी होगा, सिवान की जनता के ऊपर भी कुछ रखा जाए, कब क्या हो जाए कोई जानता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हमें चुनाव लड़ना है, ये फैक्ट बात है, और सिवान से लड़ना है, और लड़कर जीतना भी है सिवान की आशीर्वाद से, जनता की आशीर्वाद से, क्योंकि सिवान की जनता। बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से, सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं, वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। आपको फरातेदार अंग्रेजी बोलनी हो तो आज ही चले सिवान का सबसे पुराना जिले का गौरव ब्रिलियंट स्पोकन इंग्लिश एंड कंप्यूटर, महादेवा रोड सिवान, नामांकन जारी है, संपर्क करें 9771775410 और 9934991560। स्टार ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, जहां डॉक्टर मधुरी कुमार के द्वारा स्पाइन नस की सर्जरी, घुटना कुल्हा प्रत्यारोपण, दूरबीन द्वारा घुटने कंधे की सर्जरी किया जाता है, वही डॉक्टर अलका सोनी चौधरी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा बाजपन का इलाज, वही स्त्री एवं प्रसूति रोगों से संबंधित सभी ऑपरेशन की सुविधा, निसंतान दंपतियों के लिए भी सुविधा, बार बार बच्चा खराब होने का इलाज भी किया जाता है, 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है। स्टार ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, घर वरन मार्केट, गौशाला रोड, सिवान। संपर्क करें 7209276765985228566। नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। कभी नीतीश कुमार के खिलाफ बयान देने वाले और उनको जेल भेजने वाले बयान देने के बाद चर्चा में रहने वाले पूर्व एमएलसी टुन्ना जी पांडे एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं, और आज भी कुछ इस तरीके का बयान देंगे कि सिर्फ वो सिवान में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में चर्चा में बने रहेंगे। हालांकि लोकसभा चुनाव में अभी वक्त है तकरीबन एक साल का, लेकिन जो उसके प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि मीडिया में आए, सुर्खियों में छाए, और बहुत सारे चेहरे हैं, क्योंकि सरकार आरजेडी और जेडीयू की है तो जाहिर सी बात है कि वो चाहते हैं कि हम लोग पार्टी से ही चुनाव लड़े जो अभी वर्तमान में सरकार है। लेकिन यहाँ से सिवान की अगर बात करें तो 2009 से जब तक मोहम्मद शहाबुद्दीन चुनाव लड़े, उसके बाद 2009 से उनकी पत्नी लगातार 2019 तक सिवान आरजेडी सीट से यहाँ से चुनाव लड़ी। लेकिन इस बार तमाम चेहरे हैं जो अपनी अपनी दावे कर रहे हैं, और उन चेहरों में एक चेहरा टुन्ना जी पांडे का भी है। टुन्ना पांडे जी, आपका स्वागत है। प्रणाम प्रणाम। आज आप पहुंचे हुए हैं जिला, यहाँ पे जिला परिषदन में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिहार की जो राजनीति अभी चल रही है, आप देख रहे होंगे कि भले ही आप लोग, आपके जो भाई साहब है विधायक जी, आरजेडी से विधायक हैं और वो नीतीश कुमार जी के साथ हैं, लेकिन अभी भी ये पच नहीं पा रहा है, ये गठबंधन कब टूट जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। नहीं, गठबंधन तो नहीं टूटेगा, गठबंधन तो रहेगा, टूटने नहीं जा रहा है। ये जो लोग सोच रहे हैं गठबंधन अभी टूट जाएगा, चाहे हम सोच रहे हो या आप सोच रहे हो, तो ये गाछे कटार उठे तेल वाली बात है, गठबंधन नहीं टूटेगा। नहीं, ये हमारा अपना व्यक्तिगत आकलन है। बीजेपी के साथ नीतीश जी थे उस वक्त भी हो रहा था ये गठबंधन नहीं टूटेगा, लेकिन टूट भी गया और जाकर के फिर राजद में चले गए, फिर टूट गया, फिर एक बार देखिए वो परिस्थिति, उस टाइम परिस्थिति कुछ ऐसी थी, लेकिन अभी की जो परिस्थिति है ना, ये दोनों आदमी की जरूरत है, इसलिए गठबंधन नहीं टूटेगा। हमें, हमारा पर्सनल व्यक्तिगत आकलन है,
हाँ, ये किसी पार्टी का नहीं है। लेकिन कल बापू सभागार में जो कार्यक्रम चल रहा था उसमें आपने देखा कि डिप्टी सीएम बाद में पहुंच रहे हैं और सीएम पहले जाकर के और उनका इंतजार किया, और उसके बाद से कहीं से भी सामने देखा देखी तक नहीं आई है। मीडिया में कई तरह के सवाल भी देखिए, तो अपना मीडिया का भी अलग अथी है, वो बात अलग है कि वो लेट से पहुंचे, किसी कारणवश पहुंचे होंगे, पारिवारिक व्यक्ति होता है ना, हो सकता है किसी का तबीयत खराब हो गया हो, कोई बात हुआ हो, कोई दिक्कत हो, अब सब बात तो मंच पर लोग नहीं बोल पाएगा ना, अब उसका हम और आप अलग से आकलन लगा रहे हैं। हमें नहीं लगता है दोनों आदमी में कोई कटुता है, ना जदयू में कोई कटुता है, ना आरजेडी में कोई कटुता है। उसमें तमाम जो छोटे मोटे जो नेता लोग हैं वो अपनी टीआरपी के लिए कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन दोनों का शीर्ष नेतृत्व जो है एक है। हमें जो अनुभव होता है सर, क्या लग रहा है आपको? आप तो लगातार तेजस्वी यादव जी से जाकर के मिल भी रहे हैं, तमाम फोटो भी वायरल होते हैं, आपको क्या लग रहा है कि अब सीएम वाकई 2025 का तेजस्वी यादव जी को कर देना चाहिए और इन्हें ऐलान कर देना चाहिए नीतीश कुमार जी को? देखिए नीतीश जी, एक बात तो है कि वो जो कहते हैं उस पर अड़े रहते हैं, अक्सर बहुत कम ही ऐसी होते हैं वो, और हमें लगता है कि वो युवा मुख्यमंत्री का चेहरा सामने जरूर लाएंगे। तेजस्वी यादव को लाएंगे? बिल्कुल, हम कह रहे हैं युवा चेहरा लाएंगे। अब युवा चेहरा में वहां पर सर्वो नीतीश कुमार, आप देखिए खुल करके बात कीजिए, अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो खुल करके बात कीजिए, क्या तेजस्वी यादव को लाएंगे या फिर किसी और को लाएंगे? नहीं नहीं, अब तेजस्वी जी के अलावा और कहां कोई दिखाई दे रहा है, सो बताइए ना, युवा चेहरा में एक वही व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं ना, तो हमें लगता है कि नीतीश जी जरूर लाएंगे उनको आगे। लेकिन अगर चेहरा अगर तेजस्वी यादव का लाते हैं तो इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे घटक दल भी इनके साथ हैं, आप देख रहे होंगे, और उसके बाद से उधर चिराग पासवान भी एकदम जम करके लगे हुए हैं। नहीं, वो अलग बात है, सबको तो विपक्ष में, तो अभी नीतीश कुमार के विपक्ष में बहुत तमाम लोग लगे रहते थे, फिर भी 17-18 साल से तो मुख्यमंत्री है ना नीतीश कुमार जी, अभी 43 को विधायक थे फिर मुख्यमंत्री हुए ना, पीछे तो लोग लगे रहता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन मुख्यमंत्री तेजस्वी नीतीश जी हैं और नीतीश जी तेजस्वी जी को आगे लाएंगे। जो हम लोग को क्या लग रहा है कि 2024 का तो खैर अभी चुनाव है, अगले साल 2025 की जब बारी आएगी तो उस वक्त कितना आसान होगा या फिर बहुत ज्यादा कठिन होगा तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना? नहीं नहीं, कोई कठिन नहीं होगा, नहीं कोई कठिन नहीं होगा, नीतीश जी चाहेंगे कोई कठिन नहीं होगा, नहीं होगा। नीतीश जी चाहेंगे तब उस समय के क्या कुछ हालात होंगे, ये अभी 2 वर्ष का समय है, गठबंधन रहेगा या फिर समाप्त हो जाएगा, क्या नीतीश जी बीजेपी के साथ चले जाएंगे, तमाम तरह की बातें हैं। अगर बड़े बड़े शहरों की तर्ज पर सिवान में खुल गया बच्चों के लिए एक से एक बढ़कर डिजाइनर कपड़े व बेहतरीन खिलौना का बड़ा स्टोर firstcry.com, बिगेस्ट स्टोर फॉर लिटिल वंस, छपरा रोड सिवान, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे छोटे छोटे बच्चों के लिए डिजाइनर कपड़े, सैंडल, शूज, खिलौना, पैंपर्स के साथ और भी बहुत कुछ बिल्कुल उचित मूल्य पर उपलब्ध है। तो अब देर किस बात की, आज ही चले आइए firstcry.com, बिगेस्ट स्टोर फॉर लिटिल वंस, शिव चौधरी कॉम्प्लेक्स, बिजली ऑफिस के सटे, छपरा रोड सिवान। Daffodils English Medium School, Mission Compound, Mahadeva, Sivan. On the occasion of 30th anniversary, we happily announce free admission from nursery to standard 8 CBSE curriculum. Kids zone for pre-nursery students. Special attention on English, science and maths. 5 days a week computer classes. Green and peaceful surrounding. Dance and karate classes for all-round development. Registration open for 2023-2024 session. Hurry up! Limited seat. Daffodils English Medium School, Mission Compound, Mahadeva, Sivan. Contact number 9631724798. तेजस्वी यादव अगर नीतीश जी के साथ नहीं रहते उस परिस्थिति में क्या हो सकता? अगर नीतीश जी फिर बीजेपी के साथ चले जाएंगे तो फिर उपेंद्र कुशवाहा जी कहाँ जाएंगे? तो ऐसा नहीं हो सकता है ना, नीतीश जी जहाँ हैं वहीं रहेंगे, वहीं रहेंगे। नीतीश जी कहीं अब जाने वाले नहीं है, हमको जहाँ अनुभव ये लग रहा है, और नीतीश जी तेजस्वी जी को आगे लाएंगे, उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, युवा चेहरा को जरूर लाएंगे। बहुत सारे लोग ये भी चर्चा करते हैं कि भाई टुन्ना जी पांडे पहले नीतीश कुमार और बीजेपी के साथ थे, तो टुन्ना जी खुलेआम मोर्चा खोल दिए थे नीतीश कुमार के खिलाफ, यहाँ तक बयान आप दिए थे कि उन्हें जेल भी भिजवाएंगे, लेकिन अब तेजस्वी यादव और वो लोग जब साथ में हैं नीतीश कुमार तो बिल्कुल आप न्यूट्रल हो गए। नहीं बिल्कुल, कहाँ न्यूट्रल है सर, बताइए, अभी हम शराबबंदी में अभी बोले थे जो जितने मृतक लोग हुए हैं मसरख में, तो हम पूरा बोले थे कि उनको अथी देना चाहिए, क्या नाम है, मुआवजा देना चाहिए, सरकार संवेदनहीनता हो गई है, मुख्यमंत्री का बयान संवेदनहीन है, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए, अहंकार से परिपूर्ण बयान है उनका, अभी उन्होंने जो उसको जो अथी मांग रहा था यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय गोपालगंज का लड़का जो मांग रहा था उसको ऐसा लगा कि आतंकवादी जैसे पीट रहा था, लो जेल भेज दिया लो, तो हम उसमें भी बोले थे कि मुख्यमंत्री महोदय को तो उसको फांसी पर लटका देना चाहिए उस लड़का को,
तो हम मुख्यमंत्री जी का विरोध किए थे, ऐसी बात नहीं कि हम उनका हम सपोर्ट करते हैं। हम ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री जी के पीछे लगू वाले थोड़ी हैं, अगर पीछे लगू रहते तो कुछ और बात रहती, हम तो मुख्यमंत्री जी के विपक्ष में ही रहते हैं, अगर वो गलत करते हैं तो गलत कहते हैं, सही कहते हैं तो सही कहते हैं। पांडे जी अब क्या करने जा रहे हैं, इसलिए कि आप पर भी नजर है और आप तो फेसबुक पे भी आ रहे हैं, लोग चर्चा कर रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव 2024 में लड़ेंगे, तो क्या वाकई टुन्ना पांडे यहां से चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का? बिल्कुल, सिवान से लड़ना है चुनाव लोकसभा का, बिल्कुल लड़ना है। देखिए हमारी सारी दल अभी बराबर है, हम किसी दल का विरोधी नहीं है, सब दल हमारा है, सब दल हम सिर्फ ऐसे नहीं होता है टुन्ना जी, नहीं टुन्ना जी ऐसे नहीं होगा, ठीक है वो सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या आप निर्दलीय लड़ेंगे? अगर किसी दल में नहीं हो तो निर्दलीय में होता है कि सभी लोग हमारे साथ है, तो ये चीज तो क्लियर आपको करना होगा, एक तो स्टैंड आपको लेना होगा। हम दल से ही लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं है, हम दल से ही लड़े हैं। अभी आप ध्यान दिए होंगे कि हम दो दो बार MLC रहे तो किसी पार्टी के सिंबल पर हम MLC नहीं रहे, हमको लोग समर्थन दिया उसमें, सिंबल तो MLC का जो चुनाव कोई भी लड़ता है तो वो कैंडिडेट नहीं होता है, समर्थित उम्मीदवार होते हैं, तो आपके भी जब आपकी उम्मीदवारी थी तो बड़े बड़े लीडर आए थे, हमें याद भी है शायद जी। नहीं नहीं, उसमें हर दल के लोग हमारे सपोर्ट किए थे, सिर्फ एक दल को श्रेय देना गलत बात है, वो बाहर से सपोर्ट किए थे, लेकिन हमें याद है शायद सुशील कुमार मोदी जी भी आए, जैसे अभी माले बाहर से सपोर्ट कर रही है सरकार की, तो इसका मतलब सरकार में माले नहीं है क्या? बाहर सपोर्ट कर रही है ना, इसलिए हम अभी सर्वदलीय नेता हैं, हमें सिवान की जनता जहां चाहेगी जैसे चाहेगी जिस तरह हमको प्यार दुलार देगी उस तरह हम सिवान की जनता के लिए खड़े हैं, और चुनाव सिवान का लड़ना है, MP का लड़ना है, और जहां तक आपका ये तो मापने तोलने वाली बात हो गई कि जनता जिस रूप में चाहेगी, जनता अगर चाहेगी नहीं BJP की तरफ ये है तो BJP में, जनता चाहेगी कि राजद में, तो लेकिन आपका एक अपना स्टैंड तो होना चाहिए ना कि हम किधर हमारा झुकाव। अभी आप देखिए, जैसे अभी आपने कहा कि बहुत उम्मीदवार हैं सिवान में, कोई उम्मीदवार नहीं है MP का मात्र 3 उम्मीदवार हैं सिवान में, एक वर्तमान MP, एक पूर्व MP और एक साहबुद्दीन साहब के परिवार द्वारा समर्थित व्यक्ति या साहबुद्दीन साहब का परिवार, मात्र 3 आदमी है चुनाव लड़ने वाला, बहुत नेता लोग कहाँ हैं, वो तो मेढक जैसे बहुत लोग आए हुए हैं, वो अपने आप सब खत्म हो जाएंगे उसमें, और 3 आदमी है मात्र चुनाव लड़ने वाला। लेकिन एक और चेहरे का नाम अभी उछल रहा है, आ रहा है, जो चर्चा चल रही है, अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे, जो कि सतीश पांडे के भाई हैं, जो विधायक भी हैं। देखिए हमने कहा वर्तमान MP, हमने वर्तमान MP का मतलब क्या हुआ, उदल से जो आए, उदल से चाहे वो आए या जो अभी वर्तमान में MP वो हैं, चाहे अभी जो एगो विधायक पूर्व के थे वो भी दावेदार थे, तो हो सकता है वो हों, वो मैंने वो कहने का मतलब कि वो दल, एक वो दल हुआ, एक दल पूर्व विधायक MP जो हैं उसो हैं, और एक जो साहबुद्दीन साहब के परिवार से समर्थित जो व्यक्ति होंगे या साहबुद्दीन साहब के परिवार के जो लोग होंगे सो होंगे, 3 आदमी चुनाव लड़ेंगे ना। आपको क्या लग रहा है कि इनमें कौन आएंगे तो मजबूत होंगे या फिर टुन्ना जी पांडे आएंगे तो मजबूत? इसमें 2 में हम फिट हैं, इसमें अब 2 आप जिसको आकलन कर लीजिए, 2 में हम फिट हैं, अब दोनों से जहां से हम आ जाए, लेकिन चुनाव हमको लड़ना है, खुल करके लड़ना है, चाहे मैंने EBM पर नाम आपका रहे लड़ेंगे हम, नहीं ऐसा नहीं होता, EBM चुनाव आप लड़ेंगे तो नाम आप ही का रहेगा। नहीं नहीं, दरअसल हो सकता है कि हमको टिकट ना मिले, लेकिन लड़ना हमको ही है। देखिए लड़ना और टिकट मिलना EBM पर नाम दोनों दो तरह से होता है, जैसे चुनाव का कैंपेनिंग करना, चुनाव लड़ना अलग बात होती है ना, जैसे नाम भले किसी का रहे लेकिन लड़ना हमको है, हम ये बार बार कह रहे हैं आपसे कि हम MP का चुनाव सिवान से लड़ेंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। हमने 2 साल पहले MLC का चुनाव मना कर दिया था 2019 में कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। सवाल ये टुन्ना जी आप कैसे लड़ेंगे यहाँ, तो मान लीजिए अगर JDU और RJD की बात कर लें तो सीटिंग कैंडिडेट हैं कविता जी, और BJP की बात कर लें तो मान लीजिए कि पूर्व में ओम प्रकाश यादव जी भी यहाँ से रह भी चुके हैं, पिछले बार उनका टिकट कटा था, तो फिर जब इस तरह के चेहरे हैं तो फिर नया चेहरे कैसे पार्टी लेकर के आ सकती है, ये समझ नहीं पा रहे हैं सिवान के लोग। तो इसी को राजनीति कहा जाता है सर, ये समय आने पर सब पता लग जाएगा आपको, सिवान की जनता पर कुछ छोड़ दिया जाए कि किसका क्या, हमने तो कहा ना कि हम 2 में फिट बैठ रहे हैं, अब जहां पर हमारी व्यवस्था बन जाए, जहां से सिवान की जनता हमको आशीर्वाद दे दे। अभी तो आप किसी दल में नहीं है? नहीं, हम तो BJP से हैं, तो निष्कासित कर दिया गया था 6 साल के लिए आपको, उस समय भी लेटर भी सब कुछ मिला सर। देखिए यही सबसे बड़ी अंतर पड़ती है बात करने में, जैसे आज से 5 साल पहले भी लोग कहता था कि हम BJP से निष्कासित हैं, आप ही लोग कहते थे, जब 5 साल पहले निष्कासित थे तो फिर अभी नोटिस क्यों मिला,
इस सोचने वाली बात समझिए आप। आप ही के चैनल में 5 साल पहले आप कहे थे 2017 में कि बीजेपी में से आप निष्कासित हैं। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आँखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए के सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151। बीएमपी नेक्स्ट मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पे डॉक्टर इमरान खुर्शीद, जो कि एमबीबीएस एमएस ऑर्थो है, डॉक्टर साहब हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ दूरबीन विधि द्वारा हड्डी के समस्त ऑपरेशन, जैसे जोड़ प्रत्यारोपण, दूरबीन विधि द्वारा घुटने के तार बदलना, दूरबीन द्वारा कंधे का ऑपरेशन, बैकार्ड रिपेयर, रोटेटर कफ रिपेयर, छोटे चीरे द्वारा स्पाइन की सर्जरी और कंप्यूटर द्वारा बिना चीरा के हड्डी का ऑपरेशन किया जाता है। अगर आप परेशान है किसी भी फ्रैक्चर या हड्डी रोग से, तो आज ही मिले डॉक्टर इमरान खुर्शीद से, जो कि एमबीबीएस और एमएस ऑर्थो है, पूर्व चिकित्सक, फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल, नई दिल्ली। हमारा पता है डॉक्टर इमरान खुर्शीद, बीएनपी मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विश्वनाथ मार्केट, अस्पताल रोड, सिवान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, हमारा संपर्क नंबर है 9821923982 या फिर 7903155। आहना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध, ओपीडी, एनआईसीयू, जनरल वार्ड एंड सिंगल रूम, सभी प्रकार के टीकाकरण, सीपीएपी, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम, रेडिएंट वार्मर, एलईडी, फोटोथेरेपी, मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा उपलब्ध। आहना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, सर्जन लेन, साई अस्पताल के सटे, पकड़ी मोड़, सिवान। बहुत कम समय के लिए आ गया आपके शहर सिवान में फन वर्ल्ड फेयर डिज्नीलैंड मेला, गांधी मैदान, सिवान, जहां आपके पूरे परिवार के मनोरंजन के लिए एक से बढ़कर एक झूले, साथ ही सभी तरह की दुकानें भी सज धज कर हैं तैयार। तो अब देर किस बात की, आज ही चलें फन वर्ल्ड फेयर डिज्नीलैंड मेला, गांधी मैदान, सिवान। सिमरन ब्यूटी पार्लर, हनुमान मंदिर, शुक्ला टोली, सिवान। 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में ग्राहकों को दी जा रही है 40% की विशेष छूट। मेकअप, एयर ब्रश मेकअप, ग्लोबल हाईलाइट, हेयर कटिंग, रिमॉन्डिंग ट्रेनिंग या फेसियल, सभी कामों पर पाए 40% की छूट, और वो भी बहुत कम समय के लिए। साथ ही ट्रेनिंग लेने हेतु इच्छुक महिलाएं वो मेकअप बुकिंग कराने के लिए जल्द बुकिंग के लिए संपर्क करें। सिमरन ब्यूटी पार्लर, हनुमान मंदिर, शुक्ला टोली, सिवान। कॉल करें 9835699210 पर। सिवान के बड़े बड़े नेता लोग कहे थे कि बीजेपी में है ये नहीं है, तो फिर 2022 में हमको नोटिस कैसे मिल गया, हमको नहीं समझ में आया, पहला बात। और निष्कासन निलंबन में बहुत धरती आसमान का अंतर होता है, इसको आकलन करिए। जो व्यक्ति करे, आप लोग भी बहुत कम जान करके ही आप लोग मीडिया में पूछ लेते हैं। निलंबन हमसे जवाब पूछा गया, हमने जवाब दे दिया, ठीक है ना। जवाब एक सप्ताह के अंदर देना था, हमने 2 दिन में जवाब दिया, और जवाब के बाद आपने ही हमारा बाइक लिया था साबुद्दीन साहब के परिवार के आगे। हम वहां पर झुके नहीं, हमको निलंबित किया गया है कि आप बीजेपी से निलंबित हैं। निलंबन कल टूट सकता है। लेकिन जो जानकारी हम लोगों को मिली थी कि निष्कासित 6 साल के लिए किया गया था, निलंबित तो 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना होता है, फिर आ जाए। हम बता रहे हैं, जो व्यक्ति कहा अगर निष्कासन का चिट्ठी दिखा देगा तो आजीवन सिवान में मुंह नहीं दिखाएंगे, नहीं तो वो आजीवन सिवान में मुंह ना दिखाए, या निष्कासन का चिट्ठी अगर दिखा दे। कि आपको निलंबित किया गया, निलंबित किया गया कितने दिनों के लिए? भाई उसमें दिन कुछ नहीं होता है, निलंबन का दिन थोड़ी होता है, निलंबन एक महीना, 2 महीना, 4, तो खाली बस आप निलंबित किया जाता है, अभी बस इतना ही शब्द रहता है। तो क्या पार्टी से किया जाता है? सर आपको चिट्ठी दे रहे हैं उसका पार्ट, देखिए हमको, देखिए निलंबन भी कहां पर लागू होता है, जब आप किसी पोस्ट पर रहते हैं। आपको एमएलसी से निलंबित किया गया, पहले बात समझिए, आपको पार्टी के उपाध्यक्ष से निलंबित किया गया, पार्टी का अध्यक्ष से निलंबित किया गया, पार्टी का एगो अथी का नाम हो बटम दाबी, आप सदस्य बने हुए हैं, कैसे निलंबित कर दिया? लिखे हैं क्या प्राथमिक सदस्यता निलंबित किया गया? कहीं नहीं लिखा है, कहीं हम चिट्ठी आपको भेज देंगे, और जो जो आदमी कहा है कि हम नहीं है बीजेपी में, उसके मुंह पर फेंक दीजिए। टूना पांडे जी आज बीजेपी में है, बिल्कुल है, इसीलिए झंडा लगा, हाँ एकदम बीजेपी के झंडा चलते हैं। तो फिर ये तेजस्वी यादव से मुलाकात, ये नहीं समझ में आ रही है। कोई जातीय दुश्मनी है क्या तेजस्वी यादव से? नहीं दुश्मनी नहीं है, लेकिन बीजेपी में रहकर फिर आरजेडी के आप डिप्टी सीएम से आप जाकर के मिल रहे हैं, लगातार मुलाकात, लालू जी से मुलाकात, राबड़ी देवी जी से। सर देखिए
मिट्टी में मिल जाएंगे जी। और क्या नाम है, भाजपा में नहीं जाएंगे या चाहे उनके में क्या नाम है नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे, था ना, क्यों दोनों आदमी एक साथ हो गया? बड़का नेता करे तो ठीक, छोटा नेता करे तो गलत। हमारा तेजस्वी यादव कोई दुश्मन थोड़ी है, आरजेडी के लोग हमारे दुश्मन थोड़ी है। हम जब एमएलसी बने तो हमें आरजेडी के लोगों ने ही एमएलसी बनाया। हम बीजेपी में रहते हुए ठोक कर आपसे कहते हैं, हमको बीजेपी के खाली बोर्ड से एमएलसी थोड़ी बन गए। हम सिवान की जनता के नेता हैं, हम बीजेपी के सदस्य हैं, अभी हम किसी दूसरे दल का सदस्य नहीं है। लेकिन हम गलत को गलत कहेंगे, चाहे वो बीजेपी के लोग हों, चाहे आरजेडी के लोग हों, चाहे जदयू के लोग हों, और सही का सही कहेंगे। हम बीजेपी में पहले भी थे, हम अभी जितने नेता आप देख रहे हैं ना, जितने नेता देख रहे हैं मेढक जैसे, सब नेता का बैकग्राउंड देखिए, कोई कांग्रेस में रहा, जदयू में आया, बीजेपी में आया, चाहे जहां भी गया, कोई लोजपा में रहा, भाजपा में आया, भाजपा में रहा, जदयू में गया, जदयू में रहा, कांग्रेस में आया, चाहे जहां जा घूमा। टूना पांडे किसी दल में नहीं गया, हमने बीजेपी से चुनाव लड़ा, बीजेपी से चुनाव जीता, और आज भी डंका के चोट पर बीजेपी के साथ है, बीजेपी के झंडा के साथ है। अगर जिनको हमसे तकलीफ है वो बर्खास्त का चिट्ठी हमारा दे दें, कल बीजेपी का झंडा हटा देंगे। यह माना जाए कि 2024 का चुनाव बीजेपी से लड़ेंगे, ये हम नहीं कह सकते कि हम लड़ेंगे। देखिए अभी कहना जल्दीबाजी होगा, सिवान की जनता के ऊपर भी कुछ रखा जाए, कब क्या हो जाए कोई जानता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हमें चुनाव लड़ना है, ये फैक्ट बात है, और सिवान से लड़ना है, और लड़कर जीतना भी है सिवान की आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से, क्योंकि सिवान की जनता अब उब चुकी है, क्योंकि एक ही राजनीति सिवान में सिर्फ चलती है। सो आप महसूस किए होंगे शहाबुद्दीन साहब की परिवार, उनके परिवार का बुराई करके, उनके परिवार के अगेंस्ट में आप अपना राजनीति चमकाएं, आप हो या चाहे कोई नेता हो, जितना दिन शहाबुद्दीन साहब जिंदा थे आपने उनका विरोध किया, और विरोध करके आप नेता बने, और आज शहाबुद्दीन साहब इस दुनिया में नहीं है, तो उनके परिवार के साथ आप सिंपैथी जता रहे हैं, और जता करके सहानुभूति लेना चाहते हैं उनके परिवार से, उनके लोगों से। सिवान की राजनीति एक ही आज तक यही चलती जा रही है कि शहाबुद्दीन साहब के परिवार के साथ ही सिवान की राजनीति शुरू होती है और वहीं से खत्म होती है। आप अभी देखे होंगे जितने नेता लोग हैं, शहाबुद्दीन साहब के परिवार का हमेशा खिलाफत किया, आज शहाबुद्दीन साहब नहीं है तो आप शहाबुद्दीन साहब के परिवार का लोग बड़ाई कर रहा, सहानुभूति लेने के चक्कर में, हम सपोर्ट में, हम सपोर्ट में, आप ये महसूस कर रहे हैं ना। टूना पांडे शहाबुद्दीन साहब के परिवार के साथ ना कभी शिकायत किया और ना आज शिकायत कर रहा है।